मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माइकॉप के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। Our guest today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. Agar hum unke dard ko samajh rahe hain. Niti banana aur execute karwana. 75 years into India's vibrant democracy, this clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian Parliamentarians in Conversation with Shaina NC. मौसम खबर लाया है एक नया फीचर जो बताएगा मॉनसून की रफ्तार, कहां पहुंचा मॉनसून, कहां देने वाला है दस्तक। देखिए मॉनसून ट्रैकर हर शाम 7:30 पर मौसम खबर में। As a parliamentarian, there's a lot of research and lots of thought before you speak and speak on national issues. What are the issues you have raised in this journey of yours? Look, first I'll say that when I got elected in assembly, my first term in 1990, I was youngest in the house and we had lots of many seniors over there. So they were used to tell me, if you want to speak 10 minutes in the house, then be prepared to do research, to do read 10 hours on the same subject. If you are able to read 10 hours and if you are able to research on the same subject for 10 hours, then only speak 10 minutes in the house. Har saans banegi sangeet, lay taal dhadkan bane, bhaavon ki abhivyakti ka अनूठा अब संगम रचे, संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। अगर संगीत से है आपको प्यार तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द आ रहा है रॉक फ्यूजन, एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। अगर है आप में संगीत के प्रति जोश और जुनून तो भाग लेने के लिए जल्द भेजें अपने म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। रॉक फ्यूजन सुरों का काफिला। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। फिट किसान तो हिट किसान, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को ले जाने का काम किया। हर बीमारी की जड़ जो होती है वो पेट में होती है, तो मुझे लगता है कि हमें शुद्ध आहार खाना चाहिए
और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। किसानों की योग्यता बढ़ाने के लिए उनको पास जो नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मंत्री होगा जो ये चीज भी करता हो। और राज्य मंत्री जी ऐसे ही लोगों के बीच में रहेंगे तो हम भी और ज्यादा लोग सीखेंगे। मोदी टीम में अगर ऐसे मंत्री हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है हमारे देश को। फिट किसान तो हिट किसान। इस योगा दिवस पर डीडी किसान की खास पेशकश 21 जून सुबह 8 बजे। बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या विषय आज के रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से हम यहां आपको बताएंगे खरीफ फसलों की तैयारी के बारे में, किस तरह की तैयारी आपको करनी होगी और उसके साथ ही जो आम के बाग हैं वहां पर किस तरह की देखभाल की आपको आवश्यकता है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, हमारे जो आज के विषय रहेंगे ना सिर्फ खरीफ फसलों की तैयारी जो है वो हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही अगर बात की जाए आम के बागों की तो वहाँ किस तरह की देखभाल अभी आपको करनी होगी। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर है हमारा, आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो फिर से आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-11-3061, साथ ही 1800-11-3061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए और इसके साथ ही आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्र जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मिश्रा। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर किरण कौर जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फल विज्ञान संभाग की शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू से। आपका भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर किरण। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज आपको दो अलग अलग विषय के बारे में हम यहाँ जानकारी देंगे और पहले अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे जो किसान हैं खरीफ फसलों की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस दौरान और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल उन्हें रखना चाहिए और जो तैयारी है डॉक्टर शिवाधार अगर हम बात करते हैं, तैयारी हमेशा से काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, वो फिर चाहे किसी भी फसल की हमारे किसान करें या किसी भी काम की वो तैयारी करते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम खरीफ फसलों की बात करते हैं। अमूमन किस तरह की तैयारियाँ जो हैं उनकी आवश्यकता रहती है? देखिए मुकुल जी, ऐसा है कि किसी भी चीज़ की अच्छी प्लानिंग या अच्छी योजना अगर बनी हो तो कहते हैं कि अच्छी योजना से ही आधा काम पूरा हो जाता है जी। तो इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों को भी खेती चूंकि एक बहुत बड़ा काम है अगर देखा जाए तो इनको चूंकि उसी पर निर्भर होते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई, तो उसकी अच्छी प्लानिंग अच्छी योजना बने और उस योजना के अनुसार काम हो तो मुझे लग रहा है सभी फसलें जो भी आने वाले समय में उगाने वाले हैं उनमें सब में आसानी रहेगी और साथ साथ उसकी उपज भी ज़्यादा रहेगी, कम लागत भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें बहुत पहले से सोच समझकर एक अच्छी तैयारी के साथ आना चाहिए। अब तैयारियां की जब बात होती है तैयारियों की, तो सबसे पहले ये सोचते हैं हम कि हमारे पास जो खेत है वो खेत खाली है या उसमें कोई फसल है, फसल है तो कौन सी फसल है, पहली वाली फसल कौन सी फसल थी जी, और जो पिछली फसल थी क्या उस फसल ने हमारी ज़मीन को कमज़ोर किया है
या हमारी जमीन की उर्वरता बढ़ाई है। जैसे हमारे सभी किसान भाई ज़्यादातर जानते हैं कि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, अगर इससे पहले उन्होंने मूंग उरद या कुछ लोबिया जैसी फसल लगा रखी है जी, तो जाहिर है कि आपकी जो उर्वरा शक्ति का बहुत ज़्यादा ह्रास नहीं हुआ है। लेकिन अगर उससे पहले कोई ऐसी फसल लगा रखी थी, धान्य फसल, जिससे कि उसने बहुत ज़्यादा खुराक जमीन से ले रखी थी, तो हमारी ज़मीन कमज़ोर भी होती है, उस ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जी। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारी ज़मीन में कौन सी फसल है। जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल हमारे कुछ किसान भाई मूंग और उरद लगाए हुए हैं खेतों में, और ज़्यादातर कटाई हो रही है या कटाई करने वाले हैं जी, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो तुरंत अपनी फलियाँ तोड़ लें, उसकी जो पकी हुई फलियाँ हैं जी, और उसके बाद जो उसके डंठल वगैरह उनको जमीन से बाहर ना निकालें, खेत से बाहर ना निकालें, उसको उसी में जुताई करके मिक्स कर दें। चलिए, और किस तरह का फायदा जो है इसके जरिए हमारे किसान को मिल सकता है, और क्यों, किस तरीके से जो तैयारी है वो और अहम हो जाती है, विस्तार से ही आपसे हम जानेंगे। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खरीफ फसलों की बुआई के लिए फसल चक्र के आधार पर अच्छी कार्य योजना बनाकर और संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। इस समय आप कई खरीफ फसलों की बुआई कर सकते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और बेबी कॉर्न की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। ज्वार की खेती बरसात वाले इलाकों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अच्छी रहती है। ज्वार के लिए भारी हल्की दोमट, बलुई दोमट और भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके साथ में जल निकास अच्छा होना चाहिए। वहीं ज्वार की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक सही रहती है। बारानी क्षेत्रों में इसकी बुवाई बरसात के तुरंत बाद करनी चाहिए। बाजरे की बुवाई करना चाहते हैं तो इसकी संकर किस्में जैसे पूसा 23, पूसा 415, पूसा 605, पूसा 322, KBH 108, HHB 50 और HHB 67 लगा सकते हैं। बाजरे की फसल के लिए एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज काफी रहते हैं। इसकी बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्तियों में बुआई से फसल को कम पानी की जरूरत होती है। अरहर बोना चाहते हैं तो अरहर की उन्नत किस्में जैसे पूसा 16, करण अरहर 1, IPA 203, IPA 206 और पूसा 2001 लगा सकते हैं। बुआई के समय पंक्तियों का अंतर 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखें। जो किसान खरीफ की सब्जियां लगाना चाहते हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, तुरई, करेला, टिंडा, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और पेठे की बुआई इस समय कर सकते हैं। तो जाना आपने, अनेक विकल्प आपके पास हैं जब हम खरीफ फसलों की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए तैयारी करना वो उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी पर लगातार आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ यह रुख कर लेते हैं डॉक्टर किरण जी का भी। डॉक्टर किरण जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से हमारे जो किसान आम की बागवानी करते हैं, और ना सिर्फ हम कह सकते हैं मुनाफे की मिठास तो आम की खेती के जरिए उनको मिल ही जाती है, लेकिन खासतौर से जो हमारे आम के बाग हैं उनमें किस तरह की जो देखभाल है उसकी आवश्यकता होती है, और शायद उतने सही ढंग से जो किसान है अगर नहीं कर पाते तो किस तरह का नुकसान भी हमारे जो किसान हैं उनको हो सकता है। देखिए, आपने मुझसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आम का इस समय जो जून का महीना है, इस समय आम जो है परिपक्व स्थिति पे है, पक चुका है जी। जब हमें आम को तोड़ना है तो हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि तुड़ाव के समय हमारा जो आम है उसका 2 से 3 सेंटीमीटर डंठल जो है वो आम के साथ ही हम तोड़ें, और जो उसमें से कभी कभी हम देखते हैं जब हम आम की तुड़ाई करते हैं तो उसमें से एक रसा, दूध जैसा रस निकलता है, वो आम पर नहीं चिपकना चाहिए जी। जैसे ही हम आम की फसल तोड़ लेते हैं तो उसकी हमें हीट रिमूव करने के लिए, उसकी हीट को रिमूव करने के लिए हमें उसे हमेशा प्री कूलिंग करना चाहिए अपने आम को, और उसको अच्छे से प्री कूलिंग करके उसकी अच्छे से धो के उस आम को फिर उस आम की हमें ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा आम मार्केट में जाए तो हमारा आम ग्रेडेड फॉर्म में जाए, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको अच्छा रेट जो है वो ग्रेडेड आम का ही मिलता है, ठीक है। उस आम को अच्छे तरीके से ग्रेड करके आप अपने आम को वैक्सिंग भी कर सकते हैं, ताकि उसकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो भी आप उसकी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी आम की। जी, तो जब भी आप आम को तोड़ रहे तो इस तरीके से आप
हाँ ये सावधानी रखें कि आपके आम पे कोई खरोंच, आपके आम, आपके फल पे कोई जख्म किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। चलिए इन बातों का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा, और इसके साथ साथ जब आम के बागों की देखभाल है वो किस तरीके से करनी है, इस बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। इस समय आम के बागों की देखरेख जरूरी है। आम के पौधे की देखरेख उसके फलन और अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है। आम के पौधों को 10 बाय 10 मीटर की दूरी पर लगाएं, लेकिन सघन बागवानी में इसे 2.5 से 4 मीटर की दूरी पर लगाएं। पौधों को लगाने के बाद पौधों के पूरी तरह से स्थापित होने तक सिंचाई करें। शुरुआत के 2 से 3 सालों तक लू से बचाने के लिए सिंचाई करें। जमीन से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की शाखाओं को निकाल दें। ऐसा करने से मुख्य तने का अच्छी तरह से विकास हो सकेगा। आम में ग्राफ्टिंग का काम इस महीने शुरू करें। ग्राफ्टिंग की जगह के नीचे से कोई शाखा नहीं निकलनी चाहिए। ऊपर की 3 से 4 शाखाओं को बढ़ने दें। बड़े छत्रक वाले घने पेड़ों में न फलने वाली बीज की शाखाओं को काट दें। फलों को तोड़ने के बाद मंजर के साथ साथ 2 से 3 सेंटीमीटर टहनियों को काट दें। ऐसा करने से स्वस्थ शाखाएं निकलेंगी, साथ ही अगले मौसम में अच्छा फलन होगा। आम की मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करें। प्लाई या लकड़ी के टुकड़े को अल्कोहल मिथाइल मेलाथियन के 6:4:1 के घोल में 48 घंटे डुबोने के बाद पेड़ पर लटका दें और ट्रैप को 2 महीने बाद बदल दें। इसके साथ ही मिलीबग की रोकथाम के लिए 2% मिथाइल पैराथियन का इस्तेमाल करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का इस्तेमाल करें। इस तरह कुछ जरूरी समसामयिक काम करके और आम के बागों की देखरेख करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो जाना आपने, अगर अच्छे ढंग से आप इनकी देखरेख करेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे, अच्छा प्रबंधन अपनाएंगे तो अच्छा फलन भी आपको मिलेगा, जिसके बाद अच्छा मुनाफा आपको आम के ज़रिए मिल सकेगा। भले ही नाम जो है वो आम हो, लेकिन फ़ायदा जो है, मुनाफा जो है, वो अपने आप में खास हो जाता है इसकी मिठास के साथ साथ। और ख़ासतौर से यहाँ रक्षाबाधर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो तैयारी है, योजना की हम बात करते हैं, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अभी जो थोड़ा सा समय बाकी है, यानी अभी का जो समय चल रहा है, इसमें किस तरीके के जो कृषि कार्य हैं वो अभी किसान कर सकते हैं? अलग अलग फसलों का चयन जाहिर तौर पर हमारे किसान पहले ही कर लेते हैं, लेकिन और किस तरीके से जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं वो, या और किस तरह का कृषि कार्य अभी उन्हें करने होंगे? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक फसलों का चयन है, पहले तो मैं इसी पे थोड़ा जोर देना चाहूँगा जी, कि फसलों का चयन हमेशा इस हिसाब से करें कि आपके पास कैसा खेत है, उसकी मिट्टी कैसी है, आपकी आबो हवा या जलवायु कैसी है उस इलाके की जी, और उसके अलावा आपके पास संसाधन कितने हैं। अगर संसाधन जैसे धान की फसल है, आपने धान की फसल तो कर ली, लेकिन क्या आपके पास सिंचाई के समुचित साधन हैं? इसी तरीके से अगर आप की पास बहुत हल्की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है, और आप वर्षा आधारित हैं, तो वर्षा आधारित फसलों के लिए फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, किस तरीके से हम वर्षा के पानी को एकत्रित करें, किस तरीके से वर्षा के पानी का उपयोग करें, और अगर ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो किस तरीके से उस पानी को बाहर निकाल कर उसको भी एकत्र करके पुनः प्रयोग करें जी। तो इन सब चीज़ों की हमें तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है, और उसी हिसाब से जलवायु के हिसाब से, खेत के हिसाब से हमें प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है, फसलों का, पहले तो फसलों का चुनाव करना पड़ता है कि फसलें कौन सी उगाएं जी, क्योंकि फसलों को चुनाव करने में हमारे किसान भाई बहुत बार गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पूरे इलाके में यही हो रही तो हम यही फसल उगाएं जी, जबकि आजकल हमारी सरकार भी और हमारे वैज्ञानिक भी सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि धीरे धीरे आप फसली जो फसल चक्र अपना रहे उसको विविधीकृत करिए। धान गेहूं फसल चक्र विशेषकर हम इस पे चाहते हैं कि धान को रिप्लेस करके और फसलें लाई जाए, दलहनी लाई जाए, तिलहनी लाई जाए और अन्य फसलें, जिससे कि हमारे पानी का, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए हमें 3,000 से 5,000 लीटर तक पानी खर्च होता है जी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, और इसलिए दूसरी फसलों का जो समावेश है वो जरूरी हो जाता है हमारे लिए भी, और हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसके लिए भी। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नईमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नईमुद्दीन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार साहब जी। नमस्कार
तो निवेदन ये है साहब कि क्या दो साल मैंने दशहरी आम लगाया था तो दो साल तो मुझे अच्छे साइज के और मीठे आम प्राप्त हुए, किंतु ये जो है अब जो है इसमें खटास आने लगी और इसका आकार भी छोटा हो गया। ये आम चर्चा है कि क्या ये बुंदेलखंड की धरती में क्या आम अपनी प्रवृत्ति चेंज कर देता है, वो अचार वाला आम बन जाता है, ऐसा सच है क्या सर? देखिए ये आपके सामने जो स्थिति बनी हुई है डॉक्टर किरण, इस सवाल का जवाब आपसे हम लेना चाहेंगे। झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं जो दर्शक हैं हमारे नईमुद्दीन जी, और बता रहे हैं कि इन्होंने दशहरी आम जो है वो लिया, दो साल तो काफ़ी अच्छा फल आया, आकार भी उसका अच्छा रहा, लेकिन अब उसमें खटास भी है और आकार भी छोटा हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह है और इसका समाधान हम क्या कर सकते हैं? भवंती जी, मैं ये जानना चाहती हूँ जो दो साल आपका फल आया वो दशहरी फल ही था जी? अच्छा, उसके बाद जो फल है उसका आकार भी छोटा है और वो खट्टा भी है जी। पहले तो उसपे दो ये हो सकते हैं कारण। एक तो है कि आपने उसमें खाद और पानी का ध्यान ना दिया हो, और जो मेन कारण ये भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी भी हो जाती है कि जो हमने उसके ऊपर वो कलम लगाई है वो भी सूख जाती है और नीचे से देसी आम निकल आता है। तो जो मैं ये जानना चाहूंगी, तो जो आपका आम जो दो साल के बाद खट्टा और अलग किस्म का आम निकल रहा है, क्या उसमें फाइबर भी है? फाइबर की मात्रा ज्यादा है, वो देसी जैसा दिख रहा है? अगर आपको कुछ शक है कि आपका नीचे का रूट स्टॉक निकल आया है, तो आप उसके ऊपर अगले मौसम में फिर से या आने वाले समय पर आप ग्राफ्टिंग फिर से करवा सकते हैं जी। बिल्कुल, तो चलिए इस बात का ख्याल देखिए नईमुद्दीन जी, आपको रखना होगा। हमारे साथ आशीष जी भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका आशीष जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बाजरे की खेती करता हूँ सर जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट गांव उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी मेरे यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से कौन सी बाजरे की किस्म अच्छी है जो हम बोए? बाजरे की किस्म ये जानना चाह रहे हैं, इससे पहले भी आप बाजरे की खेती करते आए हैं? जी जी। चलिए क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, बाजरे की इस समय हमारे बाज़ार में बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं, तो बाजरा सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बाजरा दोनों तरीके से, एक तो चारे वाली बाजरा होती है, तो आप चारे के लिए उगाना चाह रहे हैं कि दाने के लिए उगाना चाह रहे हैं, और एक फसल होती है जिसमें दोनों ही चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जी, और दाने वाली फसलों के लिए हाइब्रिड लेना चाह रहे हैं के संकुल लेना चाह रहे हैं, तो आजकल बाज़ार में बहुत तरीके की प्रजातियां उपलब्ध हैं, तो मुझे ये लग रहा है जो स्थानीय आपका बाज़ार है उसमें CHS सीरीज़ की हो सकती हैं और भी सीरीज़ की हो सकती हैं, तो जो हाइब्रिड बाजरा है CHS वन है और भी इस तरीके की बहुत सारे बाजरे की उपलब्ध हैं। अब कौन कौन सी प्रजातियां उपलब्ध हैं उनमें आपकी आवश्यकता अनुसार आपको बीज अभी से लेकर रखना पड़ेगा जी, कि चारे के लिए है या डबल पर्पज डुअल पर्पज भी, जिसमें चारा की क्वालिटी भी अच्छी होती है और दाना भी मिल जाता है, इस तरीके का बाजरा भी उपलब्ध है आपकी, और प्रसंस्करण की दिशा में हमारे किसान आके बढ़ने लगे अब तो। जी हाँ जी हाँ, तो इस तरीके से आप बाजरे की आपकी आवश्यकता अनुसार प्रजातियों का मैं कहना चाहूँगा कि बाजरे की हर तरीके की प्रजाति उपलब्ध है, तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप कौन सा पसंद करेंगे, कौन सा लेना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से, राम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर हमने परसों शनिवार को धान की बोनी की है सीड ड्रिल से जी। किसकी खेती आपने की है अभी? धान की बोनी कर दी है शनिवार को जी, तो ज्यादा बारिश हो गई क्या वो जमना आ जाएगा उसका? चलिए ये अभी बारिश भी है और उन्होंने सिंचाई भी कर दी थी, मिला के भी बोनी की है हमने जी। हाँ तो डीएपी उसका नष्ट हो गया क्या, जमना आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा जी? चलिए बिल्कुल, अभी दो दिन पहले ही इन्होंने जो बीज है वो लगाया था और उसके बाद बारिश की भी स्थिति रही, पानी भी दिया गया, तो क्या संभावना है ऐसे में डॉक्टर साहब? देखिए शुरू में हम जो भी पौध लगाते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि 4-5 दिन तक पानी ठीक ठाक लगा के रखो, उसको गीला रखो क्यारी को, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश अगर हुई, पानी भरा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी अगर भरा हुआ है तो उससे पानी को निकालने की व्यवस्था करें, और नहीं तो अगर गीली है इनकी बेड और सही तरीके से उसमें पानी नहीं भरा हुआ है तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, धान में 4-5 दिन तक गीला रह सकता है बेड।
जी बिल्कुल, और अगर आपको लग रहा है कि जो पानी है उसका भराव ज़्यादा हो रखा है तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि उसको किसी तरह अगर आप कम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा होगी तो उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और इस दिशा में भी हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी सोचते भी हैं कि लगातार इस तरह की जो फसलें हैं उनका चयन करें जहाँ पर पानी की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, बल्कि कम में भी अगर आवश्यकता है तो वो भी पूरी हो सके। फिलहाल आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से खरीफ फसलों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और ख़ासतौर से हमारे जो किसान आम की बागवानी करते हैं किस तरह की देखभाल की अभी आवश्यकता है आपको, जिससे आपका जो मुनाफा है उसमें इजाफा हो सके। फिलहाल दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुशांत पटनायक जी जुड़े हैं उड़ीसा से। बहुत बहुत स्वागत आपका सुशांत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? उड़ीसा में होने वाली आम की आम की बागवानी आप करना चाहते हैं? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर किरण हमारे साथ सुशांत जी जुड़े हैं ओडिशा से, और जानना चाह रहे हैं कि कौन सी उन्नत किस्में हैं आम की। सुशांत जी, मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आप अब नया बाग लगाना चाह रहे हैं तो आप ऐसी किस्में लगाएं जो कि निरंतरण फलन वाली किस्में हों। जैसे कि आम में आपने देखा कि एक साल फल आता है, एक साल फल नहीं आता है, या बहुत कम फल आता है। तो हमारे पूसा अनुसंधान IARI ने कुछ ऐसी प्रजातियां निकाली हैं जो निरंतर फलन वाली हैं, और वो रंग वाली प्रजातियां हैं। उनका बाहर से रंग जो है वो लाल है। उसकी मार्केट प्राइस नेशनल, देश में और विदेश में दोनों में उसकी मार्केट प्राइस और डिमांड ज़्यादा है। तो आप कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे पूसा लालिमा हो गया, पूसा पीताम्बर हो गया, पूसा श्रेष्ठ हो गया, पूसा सूर्य हो गया, इस तरीके की प्रजातियां जो है नियमित फलन वाली प्रजातियां हैं, उनका चयन करिए। जी बिल्कुल, तो उनका चयन देखिए आप कर सकते हैं और उसके जरिए अच्छा मुनाफा भी आपको मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ भरतपुर राजस्थान से एक दर्शक जुड़े हैं, देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हम आम के वाले हम जी, क्या जानना चाह रहे हैं बताइए। हमने 10 साल पहले एक आम लगाया था जी, और बीज था और वो उसमें फल भी आ गया 2 साल जी, पर वो धीरे धीरे ऊपर की साइड से सूख गया। हमने वो दवाई दूरी भी दी, सूख के खत्म हो गया। अब हम कोई आम लगाने तो लग सकता है कि हमारी जमीन नहीं मानती। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर किरण भरतपुर से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि पहले इन्होंने आम का पौधा लगाया था, करीब 10 वर्ष वो रहा और 2 वर्ष उसने इनको फल भी दिया, बीजू पौधा था वो। लेकिन क्या जो भरतपुर जैसी जिस तरह की जलवायु यहाँ पर है, कितनी संभावनाएं कि ये आम का जो बाग है वो लगा सकते हैं? ये क्या बता रहे हैं, क्या शिकायत कर रहे हैं कि इनका पौधा सूख गया? जी, ऊपर से सूख गया और वो धीरे धीरे करके सूखा जी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका पौधा जो सूखा है वो विल्ट की वजह से सूखा हो सकता है। विल्ट में क्या होता है, आम में एक विल्ट जो है बड़ी कॉमन सी फफूंदिक बीमारी है जो फफूंद से फैलती है। इसमें पहले ऊपर की कुछ टहनियां सूखना शुरू करती हैं, धीरे धीरे एक टहनी सूखती है, फिर दूसरी टहनी सूखती है, और धीरे धीरे सारा पेड़ जो है वो सूखता जाता है। और उसके साथ के जो उसके अगल बगल में जो बाकी पेड़ लगे हैं वो भी धीरे धीरे सूखते जाते हैं। तो
इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा पेड़ है उसमें हमने रोको एम करके थायोफिनेट मिथाइल करके एक दवा आती है, वो दवा हमने 2 ग्राम प्रति लीटर वो पेड़ के इर्द गिर्द जो 10 से 15 लीटर का हमें घोल बना के उसके इर्द गिर्द लगानी है और उसको 15-20 दिन के अंतराल पे उसको रिपीट करना है। और ये प्रॉब्लम हमें बरसात और बरसात के बाद ज्यादा आती है, और जो उसके आस पास के पेड़ है उन पे भी हमें ये दवा का जो है वो उस दवा को अप्लाई करना है, नहीं तो हमारा अगर एक पेड़ सूखेगा उसके साथ साथ सारे पेड़ सूखते जाएंगे। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें हम दवा डाल के फफूंदी नाशक डाल के इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं जी। यानी समय रहते लक्षण की पहचान अगर कर ली जाए तो देखिए इसका जी, समाधान भी आप कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं सर? हेलो जी, हेलो जी, नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आपको? अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए सर। एक्चुअल अभी हमने ना धान की फसल लगाई है जीरी की जी। हाँ सर मैं सुन पा रहा हूँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। और सर उसमें अभी 2-3 दिन से जो है ना पत्ते सूख रहे हैं, पत्ता लपेट की यही बीमारी आ जाती है जी। चलिए बिल्कुल, पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं। डॉक्टर शिवाधार जी क्या किसकी हम ये लक्षण हम मान सकते हैं? ये प्रजाति इन्होंने कौन सी लगाई है और कब लगाई है इन्होंने, ये नरेंद्र जी बताएंगे आप मुझे? नरेंद्र जी लाइन पे अगर हैं तो आप ये बताइए आपने कौन सी प्रजाति लगाई है और कब लगाई है। संपर्क फिलहाल हमारा टूट चुका है नरेंद्र जी से, लेकिन जो उनका सवाल यही कि जैसा पत्ती लपेटक में स्थिति दिखती है कुछ ऐसी स्थिति आ रही है या पत्तियां सूखती हैं, तो किस वजह से हम इसको मान तो सकते हैं? ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये जब इन्होंने लगाया है और जब उगने के बाद इसमें कुछ कीड़ों का प्रकोप होने लगता है, पत्ती लपेटक कीड़ा भी आ जाता है, तो इन्हें चाहिए था कि पहले से ही उसको ट्रीट करके अच्छे से हम वो करें, और अभी भी अगर ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देंगे जी तो इस पे कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल, और यही तैयारी शायद होती है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि पहले से ही कुछ हमें जो सावधानी है वो अपनानी चाहिए किसी भी फसल के लिए। जी हाँ जी, तो ये देखिए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से आप इसका चयन करते हैं। और जब विकल्प की बात हम करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर शिवाधार हम बता रहे थे कि जो अलग अलग फसलों का समावेश है वो उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता जी है। जी हाँ। लेकिन जो किसान फसल चक्र नहीं अपनाते, बार बार एक ही फसल लेते हैं, तो ना सिर्फ जो मृदा है वो उतनी उपजाऊ नहीं रह पाती बल्कि किसान को किस तरीके का आर्थिक नुकसान जो है वो हम मान सकते हैं कि वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जी हाँ, इसी तरीके से हम वही मैं बताने जा रहा था कि इस समय आपको फसल लगाने से पहले पहले ये देखना है कि आपको किस इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, सारी जो पोषक तत्व हैं। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी मार्केट से बीज ले लिया, उसके बाद देखा कि खाद मार्केट में गायब है, आप जो है ढूंढते घूम रहे हैं कि कौन सी खाद डालनी है और कितनी डालनी है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब ऑर्गेनिक खादें या वो सब डालनी होती हैं ना, तो फसल बोने से कम 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले वो खाद डाल पहले से ही डाल देनी चाहिए खेत में। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे बुआई आज करनी है तो आज से 2-3 दिन पहले ही डालते हैं, तो इसका असर अच्छा नहीं होता है और कभी कभी वो फसल के लिए नुकसानदेह भी साबित होता है जी। तो जो तैयारियों में एक तैयारी ये भी है कि आप जितने भी चीज़ें ज़मीन में पड़नी है, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी एक लिस्ट बनाएं, उस सूची को तैयार करने के बाद उसको हम मार्केट से लेके अपने घर पे पहले से ही रखें, जिससे कि उपलब्धता के अनुसार आपको समय से वो चीज़ मिल जाए और जब ज़रूरत हो तब आप प्रयोग कर सकें। और जहाँ तक ये पोषक तत्वों की बात है, उनको बिल्कुल समय से प्रयोग करें, समय से पहले अगर जिस समय पे पड़ना है, जैसे मैंने गोबर की खाद या FYM की बात बताई, तो ये 1 महीने पहले ही अगर पड़ जाए ना, यानी तो सही समय पर जी अगर आप जो कृषि कार्य है वो करेंगे तो देखिए उसका लाभ जाहिर तौर पर आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के सागर से गोलू जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर मैं सागर मध्य प्रदेश से गोलू कुमार बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। जी सर मतलब ऐसे कोई आम की फसल बताइए, आम लगाना चाहते हैं जो 3 साल में मतलब लगाए वो सर जल्दी फलने लगे सर। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर किरण सागर मध्य प्रदेश से गोलू कुमार जी जानना चाह रहे हैं कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं जिन पे जो फलन है वो जल्दी मिल सके।
बोलो जी, मैं ये आपको बताना, मैंने पहले भी बताया कि जो निरंतर फलन वाली किस्में हैं और जो आप हाई डेंसिटी के लिए जो भी जाते हैं, जैसे अमरापाली हो गया, ये 3 साल में फलन पे आ जाता है, 4 साल पे फलन पे आ जाता है, अमरपाली हो गया, और ये पूसा संजान से जो भी नियमित फलन वाली है, जो किस्में हैं, अमरपाली हो गया, मल्लिका हो गया, ये पूसा पीताम्बर हो गया, पूसा लालिमा हो गया, पूसा श्रेष्ठ, पूसा सूर्या, ये सब वैरायटीज जो हैं, ये सब प्रजातियां जो हैं, आप इनको लगा सकते हैं। और हाई डेंसिटी के लिए जो सघन मध्यम सघन बागवानी है उसके लिए भी आप जा सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। जी बिल्कुल, अच्छा मुनाफा देखिए आपको मिल सकता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि अच्छी उन्नत किस्में जो हैं उनका ही आप चयन करें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, एक नियमित दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं नंद स्वरूप जी? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। सर मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस बार जो आम की फसल हुई है, तो मैंने अपने बाग में ये देखा है कि कुछ आम फट गया, 2 भाग में हो गया, कुछ आम कोयली पद्दी हो गई, तो इसको बचाने के लिए हमें कौन सी तैयारी रखनी चाहिए जो अगली फसल हमारी आए वो नुकसान न होने पाए और खराब न होने पाए? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर किरण क्या जानकारी देना चाहेंगे आप नंद स्वरूप जी को, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, जो फल है उसकी गुणवत्ता अच्छी रह सके? इन्होंने क्या बोला, इनका फल फट रहा है? जी, जो फल फटने का 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये है कि मई जून के महीने में जब हमारा तापमान बहुत ज़्यादा होता है और हवा में नमी बहुत कम होती है, अगर हम पानी का ध्यान ना रखें, उसकी नमी का ध्यान ना रखें, तो उससे भी हमारा फल फट जाता है। दूसरा फल फटने का कारण जो रहता है वो बोरान की डेफिशिएंसी रहती है, जब हमारे मिट्टी में बोरान की कमी रहती है उससे भी हमारा फल फट जाता है। तो आप एक तो अपने खेतों में पानी अप्रैल मई जून के महीने में पानी की नमी बनाए रखें, आप लगातार 5 से 7 दिन के अंतराल में अपने पेड़ों को पानी दें, उसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं आप, जो भूसा ये पराली आती है इसको या प्लास्टिक की मल्चिंग कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। और तीसरा आप 1% जो है बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं, इससे आप इससे निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए जो समस्या है वो दूर हो सकती है। और इसके साथ ही डॉक्टर किरण जानना चाहेंगे आपसे, जो कई जगह हमारे जो किसान हैं वो आम की तुड़ाई कर चुके हैं, वहाँ पर किस तरह की जो एक प्रबंधन है वो आवश्यक होता है बाग के लिए? जैसे आम की तुड़ाई हो चुकी है, इसके बाद तुड़ाई के बाद बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमें अगली फसल के लिए तैयार करने हैं, जैसे कि हमें तुड़ाई के बाद अपना जो बाग है उसकी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इस समय बरसात का मौसम आने वाला है, कई जगह पे बरसात आ चुकी है, हमें खरपतवार का खास ख्याल रखना चाहिए। खरपतवार को उसको अच्छे से आप केमिकली या फिर कोई ट्रैक्टर से जुताई करके आप उसको साफ रखें, और जैसे ही आपने तुड़ाई कर ली है तो आप अपने जो उर्वरक हैं उर्वरकों का ध्यान रखें, अपने उसमें जो भी आपकी डोजेस हैं यूरिया पोटाश और फास्फोरस वो आप डालिए, और उसके बाद जो कुछ टहनियां हैं जो आप देख रहे हैं, अगर आपका बाग संघना होता जा रहा है, बहुत घना होता जा रहा है, तो कुछ टहनियां जो सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पाती, फिर कुछ टहनियां जो हैं उनकी आप प्रूनिंग कर दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए, और जो टहनियों की कटाई छटाई करेंगे उन पे हमेशा बोर्डो पेस्ट लगाइए, उनको ऐसे कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो इन्फेक्शन का कारण जो है वो आगे जाके बन जाता है। तो इस तरीके के प्रबंधन जो है ये अपना हार्वेस्टिंग के बाद, अपना आम का फल तोड़ने के बाद आप कर सकते हैं। तो देखिए तुड़ाई के बाद किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये जानकारी आपने ली, आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं खरीफ फसलों की तैयारी के बारे में, और इसके साथ ही आम के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही जो दर्शक अपने जो सवाल हैं ना सिर्फ किसान कॉल सेंटर बल्कि ईमेल के जरिए भी हम तक पहुँचाते हैं, उनके सवालों को भी हम यहाँ शामिल करेंगे। लेकिन एक दर्शक फ़ोनलाइन पर जुड़े हैं, पहले इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सतबीर जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं मूंग की बुआई कर रखी है, इसमें ना बारीक पत्ती वाला घास है, लंबी पत्ती है ना, तो जो जिसको चाटू कहते हैं जी, वो बहुत है। मैं उसके बाद मतलब जी वो मर सकता है, उसके बाद मैं बिजोर दान करने चाहता हूँ। चलिए बिल्कुल, मूंग की फसल ली है ना, उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं? मूंग की फसल बीज रखी है, उसके बीच में घास है लंबी पत्ती वाला, ठीक है, फिर मतलब उसके बाद मैं दान बिजड़ करना चाहता है कि घास मार सकता है। देखिए ऐसा है ना, आपने मूंग की फसल लगा रखी है और इस समय मूंग की फसल मुझे लग रहा फलियों पे होगी और फलियां आ रही होंगी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि धान लगाना है जी, तो इसको अभी घास को मारने का कोई फायदा नहीं है। पहले तो अपनी फसल को जो मूंग लगा रखी है उसकी आप फलियां तुड़ाई कर लीजिए, और तुड़ाई करने के बाद आप चूंकि उसको मिलाएंगे ज़मीन में तो एक जुताई तो आप करेंगे ही करेंगे, उस जुताई के साथ आपकी जो घास है वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि इस समय किसी रसायन का प्रयोग करके उस घास को मारना उचित नहीं है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं क्रांतिक अवस्था जो है जब फसल की रहती है उस वक्त में अगर इस तरह के जो रसायन का इस्तेमाल होता है वो जाहिर तौर पर उसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, संपर्क हमारा फिलहाल अभी इनके साथ नहीं हो पा रहा है। यहाँ डॉक्टर किरण, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे पास एक सवाल है रामवीर सिंह चौहान जी का उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है कि इनके पास आम के बाग हैं 35 साल से, जिस पर जो फल है वो कुछ छोटे आकार का आता है और झड़ भी जाता है, जबकि खाद और पानी ये समय पर लगाते हैं, क्या इन्हें करना चाहिए कि जो अच्छा फल है वो रहे और वो झड़े भी ना? इनको बताना चाहूंगी कि आम की अच्छी फसल लेने के लिए हमें 3-4 चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। एक तो हमें उर्वरकों का खास ख्याल रखना चाहिए, जो कि ये बता रहे हैं कि ये टाइम से वक्त आते ही सारे उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा नमी, आम के झड़ने के जब आम मटर के दाने जितना होता है या पिन हेड साइज का होता है तो वो तो नेचुरल उसमें आम गिरता ही गिरता है, क्योंकि लाखों फूल लगते हैं वो सारे फल तक नहीं पहुंचते, कुछ फूल जो है वो नेचर खुद ही शेड करता है। जो मेन समस्या आती है किसान को, जो ज्यादा दिक्कत करती है, वो जब फल तैयार है उससे पहले जो प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप जिसको हम कहते हैं, फल तैयार है और फल गिरना झड़ना शुरू हो जाता है, वो एक बड़ा चिंतन का कारण रहता है। तो एक तो हमें इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, पानी की कमी से हो सकता है, अगर नमी आपकी प्रॉपर नहीं है या पानी ज्यादा लग गया है, आपके कम भी और ज्यादा भी दोनों लग गए तो भी फ्रूट ड्रॉप फलन का जो गिरना है, फलों का गिरना है वो संभव है। तीसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं या आपको कोई जैसे कि NA बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो उस समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस पर 2,4-D
सोडियम सॉल्ट वाला जो 240 आता है वो 2 ग्राम प्रति लीटर आप उसकी स्प्रे कर सकते हो। जी बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सीहोर मध्य प्रदेश से। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? आम के पौधे लगाए थे सर जी, वो उसमें माथे बन रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आम के आपने पौधे लगाए थे, उसमें किस तरह के लक्षण आप देख पा रहे हैं पत्तियों पर? अरे माथे बन रहे हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर किरण, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? इन्होंने अभी आम के पौधे लगाए थे सर, और उस पर कृपया करके प्रश्न दोहरा दीजिए, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया। विशाल जी बता रहे हैं कि इन्होंने आम के पौधे लगाए थे जिस पर जो पत्तियां हैं उस पर किस तरह के जो धब्बे से हैं वो अब आने लगे हैं। पत्तियों पे धब्बे आने लगे हैं जी, वो एंथ्रेक्नोस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एंथ्रेक्नोस पे जो पत्तियों पे कुछ कुछ भूरे रंग के धब्बे आना शुरू कर देते हैं, वो धब्बे धीरे धीरे साइज में आकार में बड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे वो फल को भी प्रभावित करते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अवस्था में आप एक तो अपनी जो बाग है उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें, उसके नीचे जो है कोई भी पत्तियां या फल जो गिर चुके हैं उनको किसी गड्ढे में जाके जो है वो उसको दबा दें, और ऐसी पत्तियों को आप अपने आम के बाग में ना रखें। दूसरा जो है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है वो 3 ग्राम प्रति लीटर जो है वो 2-2 सप्ताह के बाद उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर शिवधार जी एक और सवाल हमारे पास है कमलेंद्र कुमार पांडे जी का मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाह रहे हैं कि धान की बुवाई कैसे हम कर सकते हैं और नर्सरी का जो एक उचित समय है वो हम क्या मान सकते हैं? देखिए नर्सरी का जो उचित समय है वो हमारे बहुत सारे किसान वही शुरू कर देते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, वो मई 15 मई से ही शुरू कर देते हैं जी। 15 मई से 15 जून तक कहते हैं, बहुत अच्छा समय होता है। लेकिन अगर सिंचाई के साधन नहीं हैं तो थोड़ा देर से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो कहते हैं 20 जून तक भी ये लगा सकते हैं नर्सरी जी। और नर्सरी के लिए इनको चाहिए कि आज कल में ये अगर इनकी तैयारी है तो नर्सरी लगा ही दें। किस प्रकार लगाएं लेकिन कुछ खास बात? और नर्सरी लगाने के लिए ऐसा होता है कि 1 हेक्टेयर अगर इन्हें लगाना है तो इन्हें लगभग 800 से 1000 स्क्वायर मीटर में वो नर्सरी लगानी पड़ेगी, और जिसके लिए करीब प्रजाति के अनुसार मोटी दाने वाली या पतले दाने वाली जो भी ये लगा रहे हैं प्रजाति के अनुसार 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। आप क्यारियों को इस तरीके से बनाएं कि थोड़ी सी ज़मीन से उभरी हुई रहे, उनकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर रखी जाती है, कभी 1.5 मीटर भी रख सकते हो। इसका ये चौड़ाई आप आवश्यकता अनुसार रखते हैं क्योंकि हाथ जहाँ तक पहुँच जाए दोनों साइड से हम उस खेत में काम कर सकें जी, इतनी चौड़ाई रखी जाती है। और लंबाई ज़्यादातर 7-8 मीटर रखते हैं, तो इस प्रकार 10 स्क्वायर मीटर की एक क्यारी बन जाती है जी। और उस 10 स्क्वायर मीटर की क्यारी में लगभग 250 ग्राम 250 ग्राम के करीब यूरिया डालते हैं, और आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, पोटेशियम भी डालते हैं। इसके अलावा हम जिंक सल्फेट को डालना ना भूलें, इसमें 5 से 10 ग्राम जिंक सल्फेट भी डालते हैं जी। तो इस तरीके से बीज को सही से उपचारित करें बेविस्टीन से या और भी कोई जो फंजीसाइड उपलब्ध हो इनके पास, तो उसको उपचारित करके बीज को तभी बोएं। और पानी शुरू के 4-5 दिन तक, जैसा कि हमारे एक और किसान भाई ने पूछा था, शुरू के 4-5 दिन तक इसमें पानी की कमी ना होने दें, मिट्टी को गीला रखें, अच्छे से ठीक ठाक पानी उसमें रखें जी, अच्छी मात्रा में यानी रखना होगा। हाँ अच्छी मात्रा में पानी रखना होगा जी। और इस तरीके से इसकी देखभाल करें, समय समय पर इसको देखें कि अगर नर्सरी जमने के बाद थोड़ी पीली दिखाई पड़ती है तो एक टॉप ड्रेसिंग यूरिया की दोबारा कर सकते हैं, और बाकी ध्यान रखते हैं उसमें खरपतवार नहीं आए, उनको हाथ से निकालते रहें। चलिए बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल, बसंत जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। बसंत जी क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो बसंत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं इनका संपर्क जो है वो हो सके, अपना सवाल पूछ सकें। हेलो, चलिए फिलहाल संपर्क जो है बसंत जी के साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ खासतौर से शिवाधार जी जानना चाहेंगे, अभी हमने तो बात की धान की नर्सरी के समय की, लेकिन जो बाकी भी फसलें हैं जो खरीफ में हमारे किसान लेते हैं उनके लिए क्या उचित समय हम मान सकते हैं अलग अलग फसलों के लिए? हाँ देखिए, इसमें ज़्यादातर हम दलहनी फसलें की जब बात करते हैं तो दलहनी फसलों में मुख्य है अरहर की फसल, इस समय लगाते हैं जी।
और अरहर की फसल को हम कहते हैं कि जब तक मानसून शुरू हो तब तक अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो वो भी हमारे उसका बोने का भी उचित समय आ गया है और उसको भी आप जून के ख़त्म होने से पहले ही जो है आप इसकी बुआई कर दें जी। इसकी प्रजातियां भी उस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि आप जो है कम अवधि की लगाते हैं, जैसे पूसा से हमारी निकली हुई कम अवधि की प्रजातियाँ हैं तो छोटी होती हैं साइज में, तो उसमें पूसा 16 है तो उसको भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियाँ हैं तो इनका हम ये ध्यान रखेंगे कि बरसात से पहले ये इस्टेब्लिश हो जाए, जब ज़्यादा पानी, क्योंकि जो अरहर की फसल है बहुत ज़्यादा दिन तक अगर पानी भरा रहे या ज़्यादा देर तक पानी भरा रहे तो इसके मरने की उम्मीद रहती है जी। तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा वाला इलाके हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी होती है और हमें अरहर की फसल लगानी है खरीफ में जी, तो हमें चाहिए कि इसको हम बेड पे लगाएं, बेड पे लगाएं, किनारे पे फरो छोड़ते जाएं और उस बेड के ऊपर लाइन बनाएं जिससे कि पानी ना भर सके। कितनी ऊंचाई औसतन अगर हम मानते हैं कितनी ऊंचाई रखनी चाहिए इसकी? देखिए ऐसा ना, ऊंचाई आजकल हमारे बेड प्लांटर फर्ब प्लांटर हैं ट्रैक्टर के, और जो जिनको हम फर्ब के ऊपर अगर बोते हैं, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेस सिस्टम होता है जी, उसी तरीके से बेड बनाई जा सकती है। नैरो बेड भी हो सकती है, ब्रॉड बेड भी हो सकती है, और बेड की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ही होती है जी। बस इतनी व्यवस्था रखी जाती है कि उसमें पानी ना भरे, पानी साइड से निकल जाए, तो इस हिसाब से हम बेड बनाते हैं। ज़्यादातर दलहनी फसलों को हम बरसात वाली जहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ पे इस तरीके की बेड की व्यवस्था रखें, अन्यथा जहाँ हल्की ज़मीनें हैं जहाँ पानी नहीं भरता है, राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे और पानी भी कम रहता है, तो ऐसे में हम समतल ज़मीन पे भी बेड बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। हम कूण रिज और फरो में कूण वाले में भी कूण के ऊपर बो सकते हैं, कूण के नीचे बो सकते हैं, जहाँ पे कम पानी वहाँ कूण में अंदर बो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जहाँ बरसात होती है उसके हिसाब से हम इन दलहनी फसलों का प्रबंधन करते हैं जी। इसी तरीके से मक्का की फसल भी हम इस समय लगा सकते हैं। मक्का में हाइब्रिड है, बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है या हाई प्रोटीन कॉर्न है, इन सबको भी हम अभी इस समय लगाने का बिल्कुल उचित समय है। तो अभी ये 15 दिन हमारे किसान कहना का मतलब ये है कि खरीफ में ये 15 जून से लेके 30 जून तक का जिनके पास सिंचित ज़मीनें हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं, वो इसमें अपनी सारी फसलें जो खरीफ में बोते हैं वो बोलें जी। अन्यथा अगर आपके पास सिंचाई के साधन नहीं है, आप बारानी रूप से वर्षा पर आधारित हैं, तो मानसून की पहली बरसात होने से पहले सारी तैयारी रखें और उसके बाद उसमें अपनी जो भी फसलें बोना चाहते हैं वो किया जा सकता जी हाँ। तो चलिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राजवीर जी? हमारे यहाँ आम का बाग है जी जी, और उसकी जड़ में कोई कीड़ा लगे, काफी बड़े पेड़ हैं 40 साल पहले जी, और पूरा पेड़ सूख गया कुछ दिन के बाद। तो पेड़ जो है तने से सूख रहा है या ऊपर से सूख रहा है जो पेड़ है? राजवीर जी हाँ, नीचे जड़ से शुरू हो, ऊपर से शुरू हो जी जी। हेलो, चलिए बिल्कुल। डॉक्टर किरण, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप राजवीर जी को, जो बता रहे हैं कि कुछ कीड़ा है और ऊपर से सूख भी रहा है? राजवीर जी, ये जो कीड़ा लगा है इसके लिए मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपके तने पे कुछ सुराख जैसे नजर आ रहे हैं आपको? तने पे सुराख जैसे नजर आ रहे हैं? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा जी। फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर पेड़ पे आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि आपके पेड़ जो का तना है उसमें कुछ सुराख होल जैसे नजर आए और आप जब उसके पास जाके देखें तो उसमें से थोड़ी सी गूंज जैसी कुछ रसाव निकल रहा हो, तो वो बोरर का अटैक हो सकता है उसके अंदर, तने के अंदर। उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो बोरर जो है अंदर जो उसकी सुंडी जाके वो सारे वेस्कुलर बंडल्स को, जो उसकी नसें होती है उनको उसमें से रस चूसता है, तो उसमें आपका पेड़ धीरे धीरे जो है वो सूखना शुरू कर देता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी तार, ये लोहे की आयरन बार लेके, डंडी लेके, तो उस सुंडे को अंदर से पहले मार के उसको मार सकते हैं, और उसके बीच में उसके अंदर उसको क्लोरोपाइरीफॉस का घोल बना के उसको किसी इंजेक्शन की मदद से या वॉश बॉटल की मदद से उस सुराख को साफ करें। उसमें से वो कुछ फास्ट जैसी भी निकलेगी, बुरादा जैसा भी निकलेगा, उसको साफ करके आप उसको चिकनी मिट्टी के साथ उसको बंद कर सकते हैं उस सुराख को, तो आप इस तरीके से उससे बच सकते हैं बोरर के अटैक से। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो कीट का प्रकोप है वो कम हो सकता है और उसको आप नियंत्रित भी
कर सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ फसलों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही आम के बागों की देखभाल आपको कैसे करनी होगी। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से, बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जी सवाल पूछ सकते हैं आप? मेरे पास आम का पौधा है जी, उसका स्वाद बहुत अच्छा, लेकिन इसमें दो उसका साइज बहुत छोटा है, उसकी गुठली बहुत मोटी है जी, तो इसका कोई ऐसा जो गुठली बड़ा हो जाए। चलिए आप चाहते हैं कि जो फल का आकार है वो और बेहतर हो सके? हाँ जी। चलिए डॉक्टर किरण संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से और ये बता रहे हैं कि इनके पास देसी आम का जो एक पौधा है उस पर जो फल आता है उसमें जो गुठली है वो काफ़ी मोटी रहती है और ये अब चाह रहे हैं कि और अच्छा गुणवत्तायुक्त जो फल है वो इनको मिल सके, आकार भी उसका अच्छा हो सके, इसके लिए इनको क्या करना होगा? संजीव जी आप तो पहले, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि आपको उर्वरकों का ख्याल रखना है, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए आप जो गोबर की खाद है उसकी मात्रा बढ़ाइए, उसकी सिंचाई गुडाई जो है वो सही वक्त पे कीजिए, खरपतवार का जो है वो समय पे नियंत्रण कीजिए, और इसके अलावा अगर आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पोटाश की जो आप उर्वरक यूज़ कर रहे हैं उसमें आप पोटाश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, एक तो आप। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका वो देसी आम लगा हुआ है तो वो देसी आम का जो प्रयोग है वो आप अचार बनाने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उसको टेबल पर्पज़ के लिए खाने के लिए उसका इस्तेमाल न कीजिए। से देखिए हमारे जो किसान हैं वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर किरण अगर देखा जाए जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिन्होंने बाग लगा लिए हैं तो शुरुआती अवस्था में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या चुनौतियां रहती हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है? देखिए इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, शुरुआत में आपको जो आम का जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है जो उसकी कटाई छटाई है उस पर ध्यान रखना है, कम से कम 70 to 80 सेंटीमीटर उसमें कोई भी ऑफ शूट्स जो टहनियाँ नीचे से नहीं होनी चाहिए, गर्मियों के दिनों में आप मई जून के महीने में आप उसमें जो नमी जो है वो बनाए रखें, और आप जो तना है
गर्मियों के मौसम में जो तना है उसको आप सफेदी करें, वाइट वॉश करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट चूने के साथ मिला के उसको, ताकि वो उसका तापमान जो है वो उसको सन की, सूरज की रोशनी जो है उसको कोई नुकसान ना दे सके। खाद का ख्याल रखिए, और उसके बाद जो आपका बाग है उसकी साफ सफाई का ख्याल रखिए, और जो कीट है आपके, जो मेन आम के कीट है जैसे मिलीबग हो गया, हॉपर हो गया, है ना, इन सब कीटों का और जो आपके रोग हैं उनको समय समय पे उन पे कीटनाशक और जो दवाइयां जो हैं उनका प्रयोग करते रहिए। चलिए, बिल्कुल इन बातों का ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। आपका बहुत बहुत आभार यहाँ डॉक्टर किरण जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो डॉक्टर किरण हमें बता रही थी किस तरीके से आम के बागों की देखभाल हम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर शिवाधार जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, किस तरीके से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, मुख्य फसल धान को भी माना जाता है, किन बातों का ख्याल हमारे किसानों को रखना चाहिए? देखिए, बहुत सी बातें तो हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस की हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बीज का रोल है कि हम अपने खाद बीज को रखें, उसके बाद उर्वरकों का, उसके बाद जो कीड़े मकोड़े और बीमारियों के लिए दवाइयां हैं, उसके अलावा आजकल खरपतवार का, क्योंकि खरीफ ऋतु है और खरीफ ऋतु में ज़्यादातर खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर इनको समय से नियंत्रित न किया जाए तो, जैसे भी अगर हाथ से हो सके तो हाथ से, नहीं तो फिर रसायनों के द्वारा इसको नियंत्रित करते हैं। सभी फसलों में इसकी बहुत आवश्यकता है, साथ साथ धान की चूंकि मुख्य फसल है तो धान की आजकल हमारी सरकार जोर दे रही कि डायरेक्ट सीडिंग की जाए, सीधी बिजाई करके, रोपाई ना करके सीधी बिजाई की जाए और सीधी बिजाई विधि से धान को उगाया जाए। तो इस विधि में काफ़ी पानी की भी बचत है, श्रमिकों की भी बचत है और थोड़ा सा समस्या खरपतवारों की है और साथ साथ आयरन की कमी हो जाती है, तो इसके लिए हम अलग से छिड़काव कर सकते हैं आयरन का और उसको भी पूरा कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। जी, अच्छी फसल देखिए हम ले पाएंगे और साथ ही ध्यान देना होगा कि फसल विविधीकरण जो है उसको भी हम बढ़ावा दे सकें। फिलहाल आज भी डॉक्टर शिवाधार जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। ठीक है, हमारा भी धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से आप अच्छे ढंग से जो खरीफ की फसलें हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से आप सवाल तैयार करें। कल बात होगी बरसात में सब्जियों की खेती की और कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की। अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ई मेल कर सकते हैं। मेल आई डी है hellokisan2015@gmail.com और इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अभी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी।